खास खबर की ओर। भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले बढ़कर 38 हो गए, जिनमें से सर्वाधिक मामले महाराष्ट्र में मिले हैं। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ जिले में नाइजीरिया से लौटी एक 12 वर्षीय लड़की में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है। खबर है कि उस बच्ची के दांत में दर्द हुआ था। दांत में दर्द की शिकायत के बाद जब उसका टेस्ट किया गया तो वह ओमिक्रॉन से संक्रमित मिली। दांत में दर्द की शिकायत पर उसके परिवार वाले बच्ची को डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टरों ने परिजन से बच्ची की आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट मांगी। जब उसका आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया गया तो बच्ची कोरोना से संक्रमित मिली। एक जोनल स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि बाहर से जो भी व्यक्ति आ रहा है उसका टेस्ट किया जा रहा है और लड़की का भी टेस्ट किया गया जिसमें वह पॉजिटिव पाई गई। यहां तक कि उसके परिजन भी ओमिक्रॉन से संक्रमित मिले। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें जीजा माता अस्पताल में क्वारंटाइन किया गया है। तो यह थी आज की खास खबर। इस तरह खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे एचएमएस के साथ।